भाई एक ब्रेड देना। कौन सी वाली? बॉन, ब्रिटानिया, हार्वेस्ट गोल्ड, मदर डेरी, कोई भी दे दो यार। अच्छा ये बताओ, व्हाइट ब्रेड चाहिए, ब्राउन ब्रेड चाहिए, आटा ब्रेड चाहिए, मल्टीग्रेन ब्रेड चाहिए या हनी एंड स्वीट ब्रेड चाहिए? अच्छा भैया पेमेंट कैसे लोगे? कैश, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग या चेक? कोई भी दे दो, ऐसा करो कैश कर दो। अच्छा 10-10 के नोट लोगे, 20-20 के नोट या 5-5 के फ्रेश सिक्के? अरे यार मैंने तो तुमसे ब्रेड की पेमेंट ही तो मांगी थी। भैया मैंने भी तो आपसे सिर्फ ब्रेड ही तो मांगी थी। ब्रेड टोस्ट हो, ब्रेड पीनट बटर या वेजिटेबल ब्रेड सैंडविच, ब्रेड भारतीय लोगों की डाइट का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन आप कौन सी ब्रेड यूज करते हैं? बॉर्न, ब्रिटानिया, हार्वेस्ट गोल्ड, इंग्लिश ओवन या मदर डेरी? कौन सी है भारतीय मार्केट में सबसे हेल्दी ब्रेड? आइए पता लगाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। भारतीय मार्केट में सबसे हेल्दी ब्रेड ढूंढने के लिए मैंने लगभग सभी ब्रेड्स जो ऑफलाइन या ऑनलाइन अवेलेबल थी खरीदी। इन सभी ब्रेड्स के एक एक इंग्रेडिएंट को अच्छे से चेक करने के बाद मैंने इन ब्रेड्स को 4 कैटेगरीज में बांटा है। स्टार्ट करते हैं कैटेगरी नंबर 1, जिसमें आती हैं व्हाइट ब्रेड्स बाय बॉर्न, इंग्लिश ओवन, हार्वेस्ट गोल्ड और मदर डेरी। अब इन ब्रेड्स में एक भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जिसे हेल्दी कहा जा सके। 100% मैदा से लेकर रिफाइंड तेल, प्रिजर्वेटिव्स, इमल्सिफायर्स, इम्प्रूवर्स, रेगुलेटर और पता नहीं क्या क्या। दुख की बात यह है कि ये ब्रेड्स भारतीय मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ का थोड़ा भी ध्यान रखना चाहते हो तो इन ब्रेड्स को तो अपने पास ना लगने दो। अब चलते हैं कैटेगरी नंबर 2 पे, जिसमें आती हैं ब्राउन ब्रेड बाय इंग्लिश ओवन, मदर डेरी, ब्रिटानिया, इंग्लिश ओवन की आटा ब्रेड, इंग्लिश ओवन की मल्टीग्रेन ब्रेड और बॉर्न की हर्ब्स एंड सीड्स ब्रेड। ये ब्रेड कंपनियां टारगेट तो हेल्थ कॉन्शियस लोगों को करती हैं, लेकिन अपने प्रोडक्ट्स पे जरा भी मेहनत नहीं करती। बड़े बड़े मार्केटिंग टैग्स जैसे कि ब्राउन, हर्ब्स एंड सीड्स, मल्टीग्रेन तो छपवा दिए, लेकिन असली कहानी तब पता चलती है जब आप इनके पैक को घुमा के देखो। जी हाँ, इन सभी ब्रेड्स में मोस्टली मैदा ही है। ऊपर से प्रिजर्वेटिव्स, फूड कलर और फालतू के सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स तो हैं ही। मुझे लगता है इन ब्रांड्स को तो अवार्ड मिलना चाहिए अपने कस्टमर्स को कंफ्यूज करने के लिए। 3-3 प्रोडक्ट्स निकाल देते हैं लेकिन इंग्रेडिएंट्स 100% सेम है। प्लीज अपने पैसे इन पे बर्बाद ना करें। कैटेगरी नंबर 3 में आती हैं 100% होल व्हीट ब्रेड बाय बॉर्न, ब्रिटानिया, इंग्लिश ओवन, ला अमेरिकाना, हार्वेस्ट गोल्ड की व्हीट ब्रेड्स और मल्टीग्रेन ब्रेड्स बाय बॉर्न, ब्रिटानिया और हार्वेस्ट गोल्ड। क्योंकि इन ब्रेड्स में मैदा नहीं है तो ये पहली दो कैटेगरी ऑफ ब्रेड से तो बेहतर है, लेकिन इनमें प्रिजर्वेटिव्स, इम्प्रूवर्स, इमल्सिफायर और रिफाइंड तेल जरूर डाले हुए हैं। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो तो ला अमेरिकाना मेरी फर्स्ट चॉइस होगी, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं है। हार्वेस्ट गोल्ड सेकेंड चॉइस होगी क्योंकि फिलर इंग्रेडिएंट्स कम हैं। बॉर्न थर्ड होगी, लेकिन ब्रिटानिया और इंग्लिश ओवन तो बिल्कुल रेकमेंड करने लायक नहीं है। क्यों, इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। अब इससे पहले कि हम कैटेगरी नंबर 4 पे आएं, आइए डिस्कस करते हैं कि क्यों ये ब्रांड्स ब्रेड में इतने सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। क्या ब्रेड इन फिलर इंग्रेडिएंट्स के बिना नहीं बनाई जा सकती? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ये ब्रांड्स अपनी चॉइस से ऐसे अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। आप कोई भी कमर्शियल ब्रेड उठाओ, आप पाएंगे कि उसमें इमल्सिफायर, प्रिजर्वेटिव्स, इम्प्रूवर्स, कलर्स और बहुत कुछ नंबर्स की फॉर्म में मेंशन किया होता है। ये सारी जो चीजें हैं, इन्हें डालने का मोटा मोटा कारण यही है कि ब्रेड्स जल्दी बने, लंबे समय तक खराब ना हो, बढ़िया कलर आए, बहुत देर रखने पे भी हार्ड ना हो। मतलब ये कि इन नंबर इंग्रेडिएंट्स को डालने से बिजनेस बहुत स्मूथ चलता है, लेकिन हेल्थ की कॉस्ट आपको उठानी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे इम्प्रूवर 923 और 1104 जो इंग्लिश ओवन और ब्रिटानिया में डाले गए हैं, इनके साइड इफेक्ट्स की वजह से यूरोपियन यूनियन द्वारा इन्हें बैन किया जा चुका है। ऐसे ही और भी हैं। सबसे खराब बात तो ये है कि इन नंबर इंग्रेडिएंट्स का सोर्स क्या है, ये कस्टमर्स से पूरी तरह से छुपा लिया जाता है। तो हमारे पास क्या चॉइस है, कौन सी है बेस्ट ब्रेड्स भारतीय मार्केट में?
कैटेगरी नंबर 4 में आती हैं ब्रेड्स बाय बेकर्स डजन, कोको कंपनी की होल व्हीट ब्रेड और पोस्टा की होल व्हीट ब्रेड। इस बात में कोई डाउट नहीं कि ये पहले की सभी ब्रेड से बहुत बेहतर हैं, लेकिन फिर भी परफेक्ट नहीं है। जैसे बेकर्स डजन में होल व्हीट बटर और यीस्ट तो यूज हुआ है, लेकिन साथ में फ्लोर स्ट्रेंथनर, शुगर और सॉल्ट डाला गया है। अब ये फ्लोर स्ट्रेंथनर एक्चुअल में है क्या, वो पता ही नहीं। कोको कंपनी की ब्रेड में ब्रेड इम्प्रूवर, रिफाइंड तेल, चीनी और नमक डाला है। इनमें पोस्टा बेस्ट है क्योंकि ऑर्गेनिक होल व्हीट के अलावा कोल्ड प्रेस सनफ्लावर ऑयल, यीस्ट और व्हीट ब्रान भी डाला है। बस रिफाइंड टेबल सॉल्ट की जगह रॉक सॉल्ट होता तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन पोस्टा की ब्रेड्स आप गिल्ट फ्री खा सकते हैं। कैटेगरी नंबर 4 की ब्रेड्स भारतीय मार्केट में बेस्ट हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे भारतीय संस्कृति की अपनी फ्लैट ब्रेड यानी रोटी है, उसका तो कोई मुकाबला नहीं। एक कंस्ट्रेंट ये भी है कि इन ब्रांड्स की सप्लाई भी कुछ ही एरियाज में है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दी हैं, आप चेक कर सकते हैं। फिर हाँ, कुछ और ब्रेड्स हैं जैसे ब्रेड कंपनी और अमेरिकन बेगल, जिनका रेट तो इतना ज़्यादा है और दिखाती ऐसे हैं जैसे पता नहीं कितनी हेल्दी ब्रेड हो, लेकिन इंग्रेडिएंट्स पढ़ो तो सच्चाई सामने आ जाती है। हटाओ इन्हें तो। लेकिन अगर आप ऐसी ब्रेड खाना चाहते हैं जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो या तो आप अपने आसपास किसी ट्रस्टेड बेकरी में अपने खुद के इंग्रेडिएंट्स देकर ब्रेड बनवा लो, या फिर रोटी की तरह खुद घर पे ब्रेड बना लो। एक्चुअली इजी ही है। एक बोल में 300 ग्राम होल व्हीट आटा ले लो और बीच में थोड़ी जगह बना लो। इसमें सेंधा नमक, देसी खांड, इंस्टेंट ड्राई यीस्ट और थोड़ा गुनगुना पानी डाल के मिला लो। अब इसमें 2 चम्मच कच्ची घानी का तिल का तेल डालो और गर्म पानी से अच्छे से आटा गूंद लो। 6 से 7 मिनट लगेंगे, देखो बन गया। फिर एक ब्रेड मोल्ड ले लो, ना एल्यूमिनियम वाला नहीं। आपको तो पता ही है कि एल्यूमिनियम की वजह से थायराइड, यहाँ तक कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स इंक्रीज होती हैं। और ये जो सो कॉल्ड स्टेनलेस स्टील ब्रेड मोल्ड्स हैं, इनसे भी दूर रहें क्योंकि इन पे नॉन स्टिक टेफ्लॉन कोटिंग की होती है। आपको यूज करना है 100% सेफ ग्लास का ब्रेड मोल्ड। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दिया है। इसमें तिल का तेल लगा लें और फिर गूंदे आटे को सेट कर दें। आटे के ऊपर भी थोड़ा ऑयल लगा दें और इसे किसी ऐसी जगह पे रखें जहां गर्मी हो, जैसे कि अलमारी में रख सकते हैं। 2 से 3 घंटे में आटा फूल कर डबल हो जाएगा। देखो, ब्रेड के लिए आटा रेडी है। अब आप चाहो तो थोड़े से तेल इस पे छिड़क सकते हो। बेक करने के लिए ओवन की जरूरत नहीं। कढ़ाई चढ़ा दो हाई फ्लेम पे और इसमें 1/2 किलो नॉर्मल नमक डाल दो। इस नमक की वजह से कढ़ाई ओवन का काम करेगी और इस नमक को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें छोटी कटोरी या कोई स्टैंड रख लो। अब कढ़ाई को कवर कर दो और 10 मिनट तक गर्म होने दो। अब ध्यान से ब्रेड मोल्ड अंदर रख दो, कवर कर दो और 15 से 20 मिनट में गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। चाकू को ब्रेड में डालो, अगर आटा नहीं चिपकता है समझो ब्रेड बन गई। मोल्ड को बाहर निकालने के बाद 15-20 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख दो। फिर चाकू की हेल्प से ब्रेड को बाहर निकाल लो, थोड़ा सा घी लगा लो और अब ब्रेड स्लाइसेस को कट करो। वाह, ये हुई ना बात। बिना कॉम्प्रोमाइज के इतनी आसानी से घर पे बनाओ ब्रेड। इनफैक्ट आप में से काफी लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई किया है और रिव्यूज पॉजिटिव हैं। ये ब्रेड मार्केट ब्रेड से हेल्दी तो है ही, बहुत टेस्टी और फिलिंग भी है। शायद इसके बाद आप बाहर से ब्रेड खरीदना ही बंद कर दो। इस ब्रेड में यूज होने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है। मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि जो भी मैंने इस वीडियो में कहा है वो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। मैं ना तो किसी ब्रांड के साथ हूं और ना ही किसी ब्रांड के खिलाफ। बेस्ट कैटेगरी में मेंशन किसी भी ब्रांड ने मुझे पैसे नहीं दिए। कंक्लूड करूं तो अगर बिल्कुल टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहते तो रिलेटिवली हेल्दी ब्रेड्स जैसे ला अमेरिकाना, हार्वेस्ट गोल्ड या बॉर्न की होल व्हीट ब्रेड्स कभी कभी इस्तेमाल करो। अगर आपके पास ऑप्शन हो तो बेस्ट कैटेगरी ब्रेड्स प्रेफर कर सकते हो या किसी आसपास बेकरी में पता कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते तो फिर तो मेरी तरह कढ़ाई उठाओ और मजे मजे में घर पे ही ब्रेड बना डालो। जो सेटिस्फेक्शन और फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलेगी उसका कोई कंपैरिजन नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। अगर आपके रूखे और घुंघराले बाल हैं तो आप चेक कर सकते हैं मामा अर्थ का आर्गन हेयर मास्क। आर्गन, अवोकाडो ऑयल और मिल्क प्रोटीन से भरपूर ये बना है 100% टॉक्सिन फ्री इंग्रेडिएंट्स बिना किसी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस के। ना सल्फेट्स, ना पैराबेंस, ना EDTAs और ना ही कलर्स। मेन और वेमेन दोनों यूज कर सकते हैं। इसे यूज करने के लिए अपने बालों को 2 हिस्सों में बांट लें।
हेयर मास्क ले लें और अच्छे से अपने बालों पे लगा लें। 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें और फिर एक टॉक्सिन फ्री शैम्पू से धो दें। हफ्ते में 1 से 2 बार यूज कर सकते हैं। मामा अर्थ का आर्गन हेयर मास्क खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलना, जिससे आपको मिलेगा 21% ऑफ। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हो। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।